मिजाज बना हुआ है, इसलिए कि हम पार्लियामेंट ने आपके मुल्क का आईन और कानून जो बनाया उसके अंदर कई आर्टिकल्स के अंदर शिकों के अंदर लिख दिया गया कि मुल्क का हर शेरी, बड़ा या छोटा, जर्नेल या जज, बिजनेसमैन या वकील, कानून और आईन की नजर में बराबर है। अदालती आलिया पूरे पाकिस्तान की और अदालती उज़्मा की, हर जज ने पाकिस्तान की तारीख में यह लिखा अपने फैसलों में, फैसलों की नजीरों में, कि कानून आईन की नजर के अंदर सारे उसके शेरी बराबर हैं, मगर अमली तौर पर ऐसा नहीं। इसलिए जब पार्लियामेंट सेनेट आएगी तो सबसे पहले हम आईन के इस प्रीएम्बल को तब्दील करेंगे जिसमें खुदा ताला की वहदानियत के बाद, उसकी हाकमियत के बाद लिख दिया जाएगा, अमेंडमेंट होगी कि खास ताकतवर तबका पाकिस्तान के हर आईन और कानून से बालातर है, और उसके बाद फिर ये आवाम के नुमाइंदे इंतजामी उमूर जरूर करेंगे, लेकिन इख्तियार सिर्फ उन चंद लोगों के पास होगा जो हर कानून और आईन से बालातर हैं। इसलिए मेरे मुल्क के लोगों, पूछो कि मुझ पर जुल्म क्यों हुआ, इमरान खान पर कातिलाना हमला किसने किया, अरशद शरीफ को किसने शहीद किया, किन गुनाहों की पादाश के अंदर उसको शहीद किया गया। इसलिए आज वक्त है इमरान खान की काल के ऊपर हकीकी आजादी के लिए, इंसाफ और दस्तूर के लिए तमाम वकला, हर दानिश्वर, हर लिखने वाला, हर बिजनेसमैन, हर तालिब इलम, बेटी और मां, इंसाफ की अलाबरदारी के लिए, कानून की अलाबरदारी के लिए हकीकी आजादी के साथ आपको उठना पड़ेगा, वरना हमेशा हमेशा के लिए याद करो, गुलामी की जंजीरें जिस तरीके से आज आप जकड़े हुए हो, इसी तरीके से हमेशा के लिए जकड़े रहोगे। बिलावल को एक आखिरी पैगाम देना चाहता हूं कि तुमने पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी को धमकी दी है, अपनी मां के कातिल को अपने घर के अंदर तलाश करके उसको सजा दिलाओ। पाकिस्तान पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक मरतबा फिर एवाना बाला के अराकीन, ये तमाम सेनेटर्स अपनी उस जिद्दोजहद को जारी रखे हुए हैं जो कि आईन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए है। इस शाहरा के ऊपर तीन बड़ी बिल्डिंग्स एक के बाद एक करके यहां खड़ी हैं। ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं हैं, ये इदारे हैं, और इन इदारों की तकरीम सिर्फ इस बात पर मुनहसिर है कि इन इदारों में फैसले क्या होते हैं, इन इदारों में लोग क्या किरदार अदा करते हैं। आज मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तीनों टेस्ट केसेस जो सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, ये तीनों टेस्ट केसेस पाकिस्तान
कि आइंदा आने वाले वक्तों का फैसला करेंगे कि क्या हम कानून की हुक्मरानी के लिए तैयार हैं या नहीं। मगर अफसोस कि अभी तक हमें यहाँ पर कोई पेशरफ दिखाई नहीं दे रही। मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान के अवाम ये फैसला कर चुके हैं, वो इमरान खान के बयानिए के साथ जुड़ चुके हैं, वो अपने कायद इमरान खान की आवाज पर लबैक कर चुके हैं कि आज ये जो सफर हकीकी आजादी का शुरू हुआ है ये उस वक्त तक खत्म नहीं होगा जब तक ये अपनी मंजिल नहीं पाएगा। और हकीकी आजादी क्या है कि इस आजाद मुमलिकत के अंदर रहने के लिए पाकिस्तान के आजाद शहरियों को वो हकूक हासिल हो जो आईने पाकिस्तान में दर्ज हैं, जहां पर कोई कानून से बालातर ना हो, जहां पर हर एक को अपनी मर्जी की जहां FIR दर्ज कराने का हक है वो उसको मिले भी। आज ये एक बदतरीन वक्त है। अरशद शरीफ, अगर अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिलता तो कलम की हुर्मत, आवाज की इज्जत और आजाद सहाफत उसका मुस्तकबिल ताबनाक नहीं रहेगा। आज अगर पाकिस्तान के एक सेनेटर, एक सीनियर सिटीजन आजम स्वाती, जिन पर जुल्म हुआ, जिस्मानी जहनी तशद्दुद हुआ, कस्टोडियल टॉर्चर हुआ, वो खुद यहां खड़े हैं इंसाफ के लिए, अगर उनको इंसाफ नहीं मिलता तो आम शहरी को क्या इंसाफ मिलेगा। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के लीडर इमरान खान पर कातिलाना हमला होता है, गोलियां मारी जाती हैं, खून बहता है, और ये नहीं कि ये अचानक होता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो कई दिनों से उससे पहले से ये मुसलसल बताते चले आते हैं कि उन पर कातिलाना हमला होगा और इल्जाम किसी मजहबी जुनूनी पर रखा जाएगा। और हमने देखा कि इस कहानी के किरदार मुस्लिम लीग नून के लीडर्स भी ये बयानियां बनाते रहते हैं, हेट स्पीचेस करते रहते हैं कि इमरान खान को किसी तरह किसी मजहबी जुनूनी का शिकार करने का एक ढोंग बनाने का मौका मिले। मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये आखिर में कहना चाहूंगा कि 26 तारीख 26 नवंबर पाकिस्तान का एक डिफाइनिंग मोमेंट होगा। 26 नवंबर को यहां फैसला होगा कि अब फैसले अशराफिया या चंद मुसलत तबका बंद कमरों में साजिशों के जरिए नहीं करेगा, बल्कि इमरान खान की मकबूल तरीन क्यादत की सूरत में खुले मैदानों में अवाम का फैसला अवाम के साथ बैठकर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा जो सहाफ़ी हमारे दोस्त यहाँ पे आते हैं और हमारी इस एक कानूनी और इखलाकी कैंपेन को आप अवाम तक पहुँचाते हैं, लेकिन ये साथ साथ हमारे अलावा आपकी भी जंग है, बिकॉज आपके एक साथी को बड़े बेहिमाना तरीके से शहीद कर दिया गया और आज तक पूरी कौम बशमूल उनकी ख़ानदान ये पूछना चाह रहे हैं कि अरशद शरीफ को किन गुनाहों की सज़ा दी गई, आया वो अपना जो फ़र्ज़ है वो पूरी ईमानदारी से निभा रहा था जो कि सब सहाफ़ियों को करना चाहिए, या उसका कोई ज़ाती एजेंडा था। तो ये तो हम सब जानते हैं कि उसका कोई ज़ाती एजेंडा था नहीं। उसके बाद हमें बड़ा अफसोस है कि आज 10-11 रोज़ इस मुल्क के फेडरेशन के नुमाइंदे
यहाँ पे एक बड़ी ही अदब के साथ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से चूंकि हम आवाम के नुमाइंदे हैं इसलिए हमें कोई घास नहीं डाल रहा। अगर यही काम खुदा ना खास्ता हमारे किसी फेलो जज के साथ या हमारे जो मोहतरम जजेस हैं उनके साथ ये काम होता तो आज सूरत हाल ऐसे होती? देखे, पाकिस्तान के अवाम इस इदारे की तरफ देख रहे हैं और जो बेहिसी दिखाई जा रही है इन तीन कानूनी और इखलाकी, ये सियासी हम इसमें नहीं शामिल कर रहे, ये कानूनी और इखलाकी इश्यूज हैं जिनकी वजह से हम यहां पे आके और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ मांग रहे हैं। मैं अपने अवाम से भी ये उनकी याद दहानी कराना चाहता हूं कि आपके नुमाइंदों के साथ ये हो रहा है जो हुआ, जिसमें के खान साहब पे कातिलाना हमला, हमारे मोहतरम आजम स्वाति के साथ जो हुआ और अरशे शरीफ के साथ जो हुआ, एक सहाफी, उनको उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई टस से मस नहीं हो रहा। हम यहां पे खड़े हैं, किसी को शायद परवाही नहीं है। आया ये हम क्या मैसेज दे रहे हैं आलमी सतह पर और पाकिस्तान के अवाम के सतह पर कि ये वो मुल्क है जिसमें कि एक सिटिंग सेनेटर की बेहुरमती की जाती है, उसकी प्राइवेसी में इंट्रूड किया जाता है, उसको फिल्म किया जाता है, दूसरी तरफ आज़ादी सहाफत जो कि एक किसी भी मुल्क की एक बहुत बड़ी असास होती है उसको किस तरह से पामाल किया जा रहा है, और फिर तीसरी चीज़ कि एक मुल्क का सबसे मकबूल लीडर, एक्स प्राइम मिनिस्टर, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबरा, उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से रास्ते से हटाने के बाद की नाकाम कोशिश के बाद उसकी जान पे हमला किया जाता है। तो ये बातें इस वक्त जो इश्यू जो दरपेश हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बार फिर हम ये दरख्वास्त करते हैं बड़े अदब के साथ कि आप इन केसेस को और ये जो नुमाइंदे अवाम के नुमाइंदे इस मुल्क के पार्लियामान के नुमाइंदे यहाँ पे आते हैं वो सिर्फ एक वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं आते। ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिलता। और साथ ही साथ में मैं आखिर में अपने जो फेलो सेनेटर्स या जो एमएलएज पार्लियामेंट में बैठे होके बड़े फैल के बातें करते हैं उनको शर्म आनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए कि उनके कबीले के एक शख्स के साथ जो हुआ है उस पे उनकी जो सर्द मोरी है उन पे उसको मुस्तकबिल में या अपने घरों में वो क्या जवाब देते होंगे कि हम क्यों नहीं खड़े हुए आजम स्वाति के साथ। ये एक ऐसा मरहला है जिसमें कि चीजें डिफाइन होनी है। अब ये तय करना है कि आया अवाम, पाकिस्तान के अवाम की कोई हैसियत है? अगर उनकी हैसियत है तो फिर उनके नुमाइंदों की भी हैसियत होगी, क्योंकि वो नहीं है इसलिए अवामी नुमाइंदों की भी कोई हैसियत नहीं है। जो बैठे हुए हैं अपने आप को धोखा दे रहे हैं, कल उनके साथ भी यही होगा। तो आखिर में मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग यहां पे आए और हमारी इस एक्टिविटी को आपने अवाम तक पहुंचाया, शुक्रिया। एक बात मैं भूल गया था तमाम चैनल के मीडिया लिखने वाले इस बात के गवाह हैं कि 7 नवंबर को अदालती उज़्मा के 5 बड़े जजों ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मौजूद थे, ये कहा कि इमरान खान के
जो भी आइडेंटिफाई कातिल हैं, मुजरम हैं, उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, फौरी होनी चाहिए, 24 घंटों में होनी चाहिए। तो मैं पाकिस्तान के लोगों को बैरूनी मुल्क और अंदरूनी मुल्क ये याद दिलाना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि जनरल फैसल के खिलाफ कोई एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हो सकी। क्या वजह है? मेरे मुजरम वही जनरल फैसल, वही ब्रिगेडियर फहीम, वही अयाज, डीजी एफआईए राणा सनाउल्ला, इनको कब अदालत और इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा ताकि पाकिस्तान के लोग अदल और इंसाफ को देखें कि यह है वो अदल जिसकी गारंटी हमने आईन और कानून के अंदर जो है वो दी गई है। बहुत शुक्रिया।